नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैंग स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA थर्ड सेमेस्टर के सितंबर साइकिल का असाइनमेंट के ऊपर, जो MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स का है और ये कॉरपोरेट फाइनेंस का असाइनमेंट है। दोस्तों असाइनमेंट सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी को आपके असाइनमेंट के ऊपर कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूँ जो आपके NMIMS ने आपको बनाकर दिए हैं। पहले तो ये कि आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर ना करें, आप अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाइए। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस मिल जाएगा। आप अपने असाइनमेंट में किसी तरह का पिक्चर यूज़ कर रहे हो तो वो नॉन कॉपीराइट पिक्चर यूज़ कीजिए, डायग्राम यूज़ करें तो वो नॉन कॉपीराइट डायग्राम यूज़ कीजिए, या फिर आप अगर उसे खुद से उस डायग्राम को बना सकते हो तो वो डायग्राम बना लीजिए, और कॉपीराइट पिक्चर्स यूज़ मत कीजिए वरना कॉपी केस मिल जाएगा। असाइनमेंट में जो फॉन्ट होने वाला है वो फॉन्ट एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का होने वाला है और जिसका साइज 12 होने वाला है, और आप लोग सेंटेंस गैप दे सकते हो 1.5 का। सेंटेंस गैप से याद आया कि सेंटेंस आप हाईलाइट कर सकते हो सिर्फ बोल्ड से, किसी कलर का यूज़ मत कीजिएगा। आपको सेंटेंस हाईलाइट करने के लिए सिर्फ बोल्ड यूज़ करना है, और अपने आंसर्स को अच्छा दिखाने के लिए आप पेज लेआउट चेंज कर सकते हो। जहाँ पे आप इंसर्ट बटन पे जाओगे वहाँ पे आपको मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ मार्जिन आपको नैरो सिलेक्ट करना है। जो आपका डिफ़ॉल्ट मार्जिन होगा उसको हटा के आप नैरो सिलेक्ट कर दीजिए ताकि आपका फॉर्मेट अच्छा देखने को लगे, और वहाँ पे आप लोग अपने आंसर्स को लिखिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करें ताकि हम लोग को नंबर थोड़ा अच्छा मिल जाए। तो हम लोग को आंसर प्रेजेंट करने के लिए इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट या फिर कैलकुलेशन और कंक्लूजन का यूज़ करना है। कैलकुलेशन वाला पार्ट जो होगा वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए होगा, और बॉडी एंड कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आपका थ्योरी पार्ट के लिए होगा, थ्योरी जो आपका पेपर होगा उसके लिए होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे 1000 वर्ड है 10 मार्क्स के लिए और 500 वर्ड्स के लिए 5 मार्क्स है, तो आप इसे आंसर कैसे लिखोगे? तो 1000 वर्ड के लिए आप लोग मिनिमम 900 वर्ड लिखिए 10 मार्क्स के लिए, और 1100 वर्ड मैक्सिमम लिखे, लेकिन 1100 से ज़्यादा मत लिखिएगा क्योंकि आपका हो सकता है वो आंसर फिर चेक ना किया जाए और आपको उसमें नंबर ना मिले। तो आप लोग उतना ही लिखिएगा जितना पॉसिबल हो सके, 1100 वर्ड के अंदर अंदर लिखकर अपने आंसर्स को ख़त्म कीजिएगा। ठीक वहीं पे 450 वर्ड आप लोग मिनिमम लिखिए और 550 वर्ड मैक्सिमम लिखिए। 550 से ज़्यादा लिखोगे तो मे बी आपको नंबर ना मिले और कॉपी भी चेक ना हो प्रॉपरली। तो इन सभी को बातों का आप ध्यान रखोगे तो आप अपना जो अपना आंसर है और अच्छा स्कोर कर भी पाओगे। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपके अपने अपने आंसर्स को लिखने हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ चलते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है असाइनमेंट के ऊपर। दोस्तों ये सबसे इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हालांकि सभी क्वेश्चंस इजी हैं लेकिन ये उन सभी से इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दो सिनारियो दिया गया है जहाँ पे आपको बस कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। तो यहाँ पे एक सिनारियो है जहाँ पे आराधना लिमिटेड एक कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, और उसके पास दो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, एक है जिसमें एक मशीन का ज़रूरत है और एक कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का है। जहाँ पे मशीन का मनी रिक्वायरमेंट है 2 लाख रुपीज़, और जिसका स्लेवेज वैल्यू 0 है उसका एंड ऑफ द लाइफ में, और उसका लाइफ टाइम कितना है 6 ईयर्स का, और वो हर साल उससे इनकम कितना हो रहा है 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख 50,000, 2 लाख 50,000, 2 लाख, 1 लाख 20,000। और वहीं दूसरा एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, जिसका टाइम पीरियड 5 ईयर्स का है, और जहाँ से आपका स्लेवेज वैल्यू 10,000 रुपीज़ का डिडक्शन है, और जहाँ से आपका एनुअल इनकम 80,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख 50, 1 लाख हो रहा है। तो अब आपको इसमें इन दोनों को कैलकुलेट करके ये डिसाइड करना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए प्रॉफिटेबल है, यानी कि आराधना लिमिटेड के लिए प्रॉफिटेबल है। दोस्तों अगर आपको कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो रहा है कि आराधना लिमिटेड बार बार आ रहा है, तो आप इस कैलकुलेशन को आप अपने हिसाब से देखिए कि आप इन्वेस्टर हो और आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं, और आप जब अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इस पर कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इसका पेज रेफरेंस जो है वो बुक में नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका पेज रेफरेंस कोई है नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपके सॉल्यूशन दे देता हूँ आपके प्रॉब्लम का, वो ये है कि आप पहले इन सभी को कैलकुलेट कीजिए। जैसे ऊपर वाले में आपको 2 लाख का इन्वेस्टमेंट दिया गया है 6 साल के लिए, लेकिन उसका कोई स्लेवेज वैल्यू नहीं है, मतलब कि उसका कोई डिप्रिसिएशन नहीं है, समझ लो आप। तो डिप्रिसिएशन नहीं है तो इसको आप सिंपली कैलकुलेट कर दो 1, 2, 2.5, 2.5, 2, 1.2, ठीक है, ये कैलकुलेट करके आपका फाइनल आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2,
यानी कि मतलब आपका क्वेश्चन नंबर वन का दो नंबर ऑप्शन जो है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है उसमें आपको 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है 5 साल के लिए, जिसमें आपका डिप्रिसिएशन 10,000 रुपीज़ का है पर ईयर। तो आपको जो भी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है एनुअल इनकम का पर ईयर में, तो पर ईयर का एनुअल इनकम में आपको 10,000 रुपीज़ लेस करने हैं। 80,000 माइनस 10 कर दीजिए, 80,000 माइनस 10 कर दीजिए, 1 लाख में 10 कर दीजिए माइनस, 2 पॉइंट में 10 माइनस कर दीजिए, 1 में 10 माइनस कर दीजिए, और ये कैलकुलेट करने के बाद आपका जो टोटल अमाउंट आएगा आपके पास वो आपको देखने को मिलेगा। अब उनमें से अब आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से आपको प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करना है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, और वो आपके लिए प्रॉफिटेबल कैसे है वो भी आपको बताना है इसके अंदर। तो जो जो नीचे आपको एक नोट दिख रहा है, विच ऑप्शन सीम्स मोर प्रॉफिटेबल एंड वाई, अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे अच्छा प्रेफरेबल है और किस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। तो ये चीज़ आपको बताना है क्वेश्चन नंबर वन के अंदर 1,000 वर्ड के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको एक सिनारियो दिया हुआ है। सिनारियो में आपसे पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक और PI मेथड का यूज़ करने बोला गया है। आपको क्वेश्चन के ठीक नीचे एक डेटा भी दिया हुआ है जहाँ पे आपको दो कैश फ्लोज दिए हुए, उस कैश फ्लोज का यूज़ करके आपको ये बताना है, और साथ में आपको एक डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दिया हुआ है 10% का, और जहाँ पे आपको ये बोलना है कि आपको चूज कौन सा करना है, मतलब कि कौन सा प्रोजेक्ट कैश का इनफ्लो अच्छा है, और साथ में आपको ये सिचुएशन भी बतानी है कि अगर आपको पे बैक डिस्काउंटेड और डिस्काउंटेड पे बैक, ये इसके अलावा अगर PI यूज़ करना पड़े, PI मेथड, तो आप कौन सा प्रोजेक्ट को चूज़ करोगे, तो ये चीज़ आपको बतानी है। लेकिन घबराइए मत, इसका पेज रेफरेंस है हमारे पास, तो इसका पेज रेफरेंस है 179 पेज नंबर ई बुक के अंदर, और हार्ड बुक में 175। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि हार्ड बुक का पेज नंबर अपने ई बुक में जाके ढूंढते हैं और कहते हैं कि सर मिल नहीं रहा, तो वो चीज़ गलत है। जहाँ पे मैंने आपको ई बुक का पेज नंबर दे रखा है तो आप ई बुक के पेज नंबर पे जाओ, और जहाँ पे मैंने हार्ड बुक का पेज नंबर दे रखा है तो आप हार्ड बुक के पेज नंबर में जाओ। तो ई बुक का यहाँ पे मैंने 179 पेज नंबर दे रखा है, तो हम लोग अपने ई बुक पे जाते हैं और वहाँ पे 179 के अंदर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो 179 में पहुँचने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको 7.3.2 में द PB मेथड के बारे में बताया, यानी कि पे बैक मेथड के बारे में बताया गया है। नीचे उसका फॉर्मूला है, तो उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में बताइए, अपने हिसाब से बताइए, पूरा कॉपी पेस्ट मत कर दीजिएगा। काफ़ी ऐसे होनहार बच्चे हैं जो पूरा कॉपी पेस्ट कर देते और बोलते थे सर कॉपी कैसा आ गया। आप रेफरेंस गूगल से भी ले सकते हो, मैगजीन से भी ले सकते हो, कहीं से भी लीजिए, लेकिन किसी भी कंटेंट को कॉपी मत कीजिए। कॉपी करोगे तो आप फंसोगे, तो कॉपी मत कीजिए, उसे आप अपने वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिए। नीचे कैलकुलेशन भी बता दिया गया, किस तरीके से आप कैलकुलेशन अगर करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ये भी बता दिया गया। ठीक उसी के नीचे आपको डिस्काउंटेड मेथड के बारे में बताया हुआ है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर उसी के नीचे आपको यहाँ पे डिस्काउंटेड मेथड आपको देखने को मिल गया 7.4 में, और ठीक उसके नीचे आपको PI मेथड भी देखने को मिल गया जहाँ पे उसका फॉर्मूला और कैलकुलेशन दोनों बताया गया है। तो आप इनको यूज़ करके अपने उन डेटा को कैलकुलेट कीजिए और अपना आंसर बता दीजिए कंक्लूजन में कि क्या है आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3A और 3B की तरफ पहुंचते हैं, तो जहां पे ये भी सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन दिया गया है, जहां पे ऐसा लग रहा है कि मतलब बच्चों का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो यहां पे ये आप अगर क्लास 11-12 में थोड़ा सा पढ़े होंगे थोड़ा सा, तो आपको ये आंसर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। पहले आपको EMI कैलकुलेट करना है, जैसे कि आप लोग में से हर कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो अपना फ़ोन लिया है EMI पे, जिसने लैपटॉप लिया है EMI पे, जिसने अभी अभी फ्लैट खरीदा है EMI पे, जिसने कार खरीदा है, बाइक खरीदा है, लेकिन EMI पे। तो आपने कभी ये कोशिश किया कि EMI कैलकुलेट कैसे हो रहा है? वो लोग तो कैलकुलेट करके दे रहे हैं, लेकिन आपने कभी कोशिश किया है क्या कैलकुलेट कैसे करें? अगर नहीं किया है तो आपको इसमें पता चल जाएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर आप अपना कार का, फ्लैट का, बैग का, लैपटॉप का, फ़ोन का, किसी का भी EMI निकाल सकते हो पर मंथ में या फिर पर ईयर में। तो यहाँ पे आपको एक अमाउंट दिया गया, कार लोन 5 लाख रुपीज़ का, और वो कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, और किसका कितना परसेंट वो इंटरेस्ट रेट है? 10%। अब आपको EMI कैलकुलेट करना है और उसका स्केड्यूल आपको बताना है, ठीक है। और दूसरा वाला में ये बताया गया कि XYZ लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्लास्टिक टॉय बनाता है, जिसका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़, और जो अपना प्रोडक्ट सिर्फ 60 रुपये पर टॉय बेचता है। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टॉय इज 30 रुपीज़, जिसको वो टॉय बनाने में बस 30 रुपीज़ लगते हैं, लेकिन उसका आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो 5 लाख रुपीज़ का, और जिसका इंटरेस्ट है पर एनएम 8% का। तो अब आपको यहाँ पे DTL कैलकुलेट करना है,
जो 6000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो 6000 खिलौने बने उसका डीटीएल आपको कैलकुलेट करना है, और ये भी बताना है कि उसका इन्फ्रेंस और इम्प्लीकेशन ड्रॉन क्या होने वाला है, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पे घबराइए मत, आपका यहाँ भी पेज रेफरेंस मैंने दे रखा है, ईबुक हार्ड बुक दोनों का। तो ऊपर वाले का 51 में जाना है और नीचे वाले का 1.9 में जाना है। तो 5.1 में चलते हैं, यानी कि 51 में हम लोग चलते हैं सबसे पहले। तो 51 में आपको यहाँ पे आने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे एक कैलकुलेशन दिया हुआ है जो आपका एमोर्टाइजेशन का ही है, एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल्स 2.4 में, और ठीक उसके नीचे एक सेम कैलकुलेशन दिया हुआ है, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाया गया है। तो आपको इसे पढ़ना है, इसे समझना है और इसे कैलकुलेट करके बता देना है। अगर आपको R ब्रैकेट PVIFA का फॉर्मूला नहीं पता कि ये क्या है, तो आप लोग डायरेक्टली गूगल कर लो ना कि हम लोग अगर EMI कैलकुलेट कर रहे हैं तो RPVIFA क्या है, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फ्यूचर फैक्टर्स एन्यूटी, इसका पूरा नाम है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी। आपको ऊपर में भी इसका थोड़ा बहुत बारे में पता चल जाएगा अगर आप ये बुक को अच्छे से पढ़ते हो, या फिर अपना स्कूल का बुक या कॉलेज का बुक प्रेफर करते हो, यानी कि अपने ग्रेजुएशन के टाइम का, तो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसे हम लोग को कैलकुलेट करना है और अपना EMI आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। अब उसके बाद चलते हैं 109 पे। तो 109 पे हम लोग यहाँ पे पहुँचे, जहाँ पे आपको DTL यानी कि डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज के बारे में बताया गया। तो आप इसे पढ़िए, पढ़कर आप समझाइए, और कैलकुलेशन जो दिया हुआ कैलकुलेशन देके आप उसे कैलकुलेट कर दीजिए, बस आपका आंसर यू निकल जाएगा चुटकी बजाते ही। तो ये आपका आंसर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे और अपना आंसर बताओगे, और साथ में आप मेंशन भी कर देना कि इंप्लीकेशन ड्रॉन कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3A और 3B सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा स्टेप हमारे चैनल पे एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। अगर आप इस चैनल को सक्सेसफुल बनता देखना चाहते हो तो आप हमारे साथ अपना योगदान जरूर दें। वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।